नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश सिंह और आप देख रहे हैं RMS लाइव लर्निंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको WhatsApp स्टेटस पर प्राइवेसी लगाने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने WhatsApp स्टेटस फोटो या फिर वीडियो पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। सो अगर आप WhatsApp पर स्टेटस अपलोड करते हैं और उस पर प्राइवेसी लगाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पसंद आए तो लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपका ज़्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं WhatsApp स्टेटस पर प्राइवेसी ऐड कैसे करते हैं। तो दोस्तों, अपने WhatsApp स्टेटस पर प्राइवेसी ऐड करने के लिए आपको WhatsApp ओपन करने के बाद स्टेटस टैब पर क्लिक करना है, जिसके बाद माय स्टेटस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना WhatsApp स्टेटस अपलोड कर सकते हैं और साथ ही अपने फ्रेंड्स के WhatsApp स्टेटस भी आप यहां पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आपको टॉप राइट कॉर्नर में ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जिसके बाद इस तरह से ये 2 ऑप्शंस आएंगे। तो यहाँ पर आपको स्टेटस प्राइवेसी के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब नेक्स्ट इंटरफेस में आपके सामने क्वेश्चन आएगा, हु कैन सी माई स्टेटस अपडेट्स, यानी कि जो भी आप अपना WhatsApp स्टेटस अपलोड करेंगे उसे कौन कौन देख सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें बाय डिफॉल्ट माई कॉन्टैक्ट्स सेलेक्ट रहता है, जिससे कि जब भी आप WhatsApp पर अपना स्टेटस अपडेट करेंगे तो जो आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे, जो आपके WhatsApp पर फ्रेंड होंगे, वही आपका स्टेटस देख सकते हैं। ऐसे में अगर आप किसी एक या एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट से अपना WhatsApp स्टेटस छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर माय कॉन्टैक्ट्स एक्सेप्ट के इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, जिसके बाद इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। अब जिस भी कॉन्टैक्ट या फिर जितने भी कॉन्टैक्ट्स आप यहाँ पर इस तरह से सेलेक्ट करेंगे, इनसे आपका WhatsApp स्टेटस हाइड हो जाएगा और ये आपके WhatsApp स्टेटस को नहीं देख पाएंगे। फाइनली सेव करने के लिए यहाँ पर बॉटम राइट कॉर्नर में राइट के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अब अगर दोस्तों आप अपना WhatsApp स्टेटस किसी पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ ही शेयर करना चाहते हैं या कुछ सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करना चाहते हैं और बाकी सभी से छुपाना चाहते हैं तो यहाँ पर ओनली शेयर विद के इस ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए, जिसके बाद इस तरह से आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ से जितने भी फ्रेंड्स को आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही आपका WhatsApp स्टेटस देख पाएंगे और बाकी सभी से आपका WhatsApp स्टेटस हाइड हो जाएगा। सेटिंग सेव करने के लिए यहाँ पर भी आपको राइट के आइकन पर क्लिक करना है और फाइनली डन के इस बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों, आप अपने WhatsApp स्टेटस पर प्राइवेसी सेट कर सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आप किसी का भी WhatsApp स्टेटस देखें और उसे पता भी ना चले कि आपने उसका स्टेटस देख लिया है, तो इसके लिए आपको टॉप राइट कॉर्नर में 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद आप WhatsApp की सेटिंग्स पेज में पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट ऑप्शन पर क्लिक करना है और नेक्स्ट इंटरफेस में प्राइवेसी ऑप्शन पर क्लिक करना है, जिसके बाद अलग अलग प्राइवेसी सेटिंग्स आपके सामने आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको रीड रिसीट्स के इस ऑप्शन को डिसेबल कर देना है, जिसके बाद आप किसी भी फ्रेंड का WhatsApp स्टेटस देखेंगे उसे पता नहीं चल पाएगा कि आपने उसका स्टेटस देखा है या नहीं। लेकिन दोस्तों, इसके बाद आपको भी पता नहीं चल पाएगा कि आपके WhatsApp स्टेटस को किन किन फ्रेंड्स ने देखा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद है आपको WhatsApp स्टेटस पर प्राइवेसी लगाने की ये जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना। तो मिलता हूँ दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।